हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टोटल सॉल्यूशन मिलान। दोस्तों भाइयों बहनों दिल थाम के बैठिए, मैं और एक यूनिक वीडियो लेकर आया हूँ। और उससे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बगल में रखा बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँगा वो सबसे पहले आपके पास ही जाएगा। तो दोस्तों आज जो मैं लेकर आया हूँ आसुस का फ़ोन है, जिसका मॉडल नंबर है X00TD। तो इसका प्रॉब्लम है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है दोस्तों। चलिए देखते हैं इसको ठीक कर पाते कि नहीं पाते। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। इसमें सिम डाल दिया, अभी इसको ऑन करेंगे। और दोस्तों जो भी मेरे पास फ़ोन वगैरह आता है, जो भी आता है, मैं उसको संग ही खोल के उसको रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ और उसका ही वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों देखिए मेरे चैनल में और भी अच्छा अच्छा वीडियो लाने की प्रयास करूँगा। मेरे चैनल को देखते रहिए। और दोस्तों जो भी दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे वीडियो को जो भी देखते हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए इसको देख लेते। तो इसका जो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सिम नहीं आ रहा है। तो इसका सेटिंग वगैरह में जाके देखते। इसका देखिए 4G किया हुआ है, तो उसका 2G 3G करेंगे, अभी करके देखेंगे आता है कि नहीं आता है। तो उसके बाद ही फ़ोन को खोल के हम देखेंगे इसका क्या प्रॉब्लम है, तो उसको ही रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए दिल थाम के बैठ जाइए एक नेटवर्क प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने के लिए। तो देखिए इसका सेटिंग तो सब सही है, लेकिन सिम नहीं आ रहा है। तो इसको अभी क्या करेंगे, इसको अभी फ़ोन को ऑफ करके सिम को बाहर कर लेंगे, फ़ोन को खोल लेंगे, इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों मेरा वीडियो के ऊपर में आई बटन है, उधर जाके भी मेरा और भी वीडियो है देख सकते हो। और मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। और फ़ोन मेरा जो है डिस्क्रिप्शन में जाके भी मेरा वीडियो और भी है, उसका लिंक उधर डाला हुआ है, उधर जाके भी मेरा वीडियो देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों फ़ोन को बंद कर लेते। तो अभी इसको खोल लेंगे नेल के मदद से, थोड़ा थोड़ा प्रेशर करने से फ़ोन आसानी से खुल जाएगा। तो देखिए दोस्तों मैंने फ़ोन का जो ढक्कन है वो खोल लिया है। अभी इसका जो है नट वगैरह खोल लेता हूँ मैं जल्दी से। तो खोल के जो है नीचे वाला ढक्कन खोल लेंगे हम। अभी स्क्रू ड्राइवर की मदद से थोड़ा प्रेशर करने से खुल जाएगा। तो अभी ऊपर वाला भी जो है नट वगैरह खोल लेता हूँ, क्योंकि उधर भी नेटवर्क का एंटीना का जो कनेक्शन है, तो ये एंटीना तार है दोस्तों नेटवर्क का। तो इसको मैं पहले टेस्ट करूँगा कि तार टूटा हुआ है कि नहीं है, इसके कारण भी हो सकता है। तो तार हमको टूटा हुआ नहीं लग रहा है, ठीक ही है। अभी इसका जो कनेक्शन है एंटीना तार का, तो वही देख लेंगे हम। नेटवर्क का जो कनेक्शन है, नेटवर्क का दो वाला टीप रहता है, एक GSM का और एक ग्राउंड का, तो दोनों का ही हम चेक कर लेंगे। तो देखिए इधर कनेक्शन है इसका, दोस्तों पार्ट्स बहुत छोटा छोटा है, तो इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ ठीक तरह से।
लेकिन जूम करके हम दिखाएंगे, इसको थोड़ा चेक कर लेते। इंटरनेट टिप में कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है हमको, तो देखिए वही दिखा रहा हूँ मैं। देखिए जहाँ पे जो पिन है, पिन के बगल में जो कनेक्शन है, उधर से जो एंटीना का तार वायर आता है, कनेक्ट होता है, वहाँ से उसका कनेक्शन कहीं से टूटा हुआ है लगता है, कनेक्शन नहीं मिल रहा है। लेकिन उधर कोई कंपोनेंट भी नहीं दिख रहा है, हो सकता है अंदर से उसका लिंक है और टूट गया है, उससे पहले जो पीएफओ आईसी है उसका कनेक्शन ठीक है कि नहीं है उसको हम चेक कर लेते। तो देखिए इसका जो वायर जहाँ पे लगता है वो वाला टिप को चेक कर लेंगे, उसके बाद इसका जो एंटीना सॉकेट है उसका भी कनेक्शन चेक कर लेंगे। तो इधर हमको कनेक्शन मिल रहा है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ढक्कन को ओपन करके पीओपो आईसी से जो कनेक्शन आता है नेटवर्क का, वो वाला कनेक्शन चेक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखेंगे क्या करना होगा। तो ये है पीओपो आईसी, उधर जो कैपेसिटर है उधर से ही कनेक्शन आउट हुआ है, तो वही वाला कैपेसिटर में हम एंटीना सॉकेट से देखेंगे कनेक्शन आता है कि नहीं आता है। देखिए इसका कनेक्शन आ रहा है, मतलब एक कनेक्शन ठीक है, कनेक्शन कहीं से भी टूटा हुआ है नहीं है। ग्राउंड के साथ भी कनेक्शन आ रहा है, मतलब इधर का जो कनेक्शन है वो ठीक ही है। तो अभी देखिए इसका जो एंटेना का जो पिन था जहाँ से नेटवर्क का कनेक्शन होता है, वही पे कोई लिंक नहीं मिल रहा था हमको। तो हम करेंगे क्या, एक जम्पर वायर लेके उसको जम्पर करेंगे। तो इतना छोटा है दोस्तों, हमको मैग्नीफाइल ग्लास से देखना पड़ रहा है, तो उसको जम्पर करने के बाद हम जूम करके दिखाएंगे। हो सकता है इसका बोर्ड के अंदर से कनेक्शन था, किसी तरह वो टूट गया, तो उसको ही हम अभी जम्पर कर रहा हूँ, क्योंकि एंटेना का जो वायर है उससे दोनों कनेक्शन आता है, एक भी मिस हो जाएगा तो नेटवर्क नहीं आएगा दोस्तों। देखिए और भी जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए मैंने छोटा सा जम्पर कर दिया है माइक के बगल में जो पिन है, पिन के साथ और एंटेना का जो वायर है उसका ही कनेक्शन किया है। तब इसको सेट करके, बोर्ड को सेट करके हम ऑन करके देखेंगे। तो ये एंटीना तार है, इसको हम लगा लेते। उसके बाद इसमें सिम डाल के हम देखेंगे। अक्सर हाथ से गिर जाने से भी अंदर से फॉइल वगैरह टूट सकता है और सल्फर जम के भी वो टूट सकता है। इतना छोटा छोटा पार्ट्स रहता है, अक्सर ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं, ऐसा प्रॉब्लम होता ही रहता है।
क्योंकि इसका जो कंपोनेंट है बहुत छोटा छोटा लगा हुआ रहता है भाई, इसका जो फॉइल वगैरह है वो भी बारीक से बारीक है। तो अभी मैंने सिम लगा लिया है सिम सॉकेट में, अभी सिम को हम डालेंगे, डालने के बाद ओपन करके देखेंगे दोस्तों क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखेंगे क्या करना पड़ेगा। तो चलिए मैंने फ़ोन को ऑन कर लिया, अभी ट्विजर की मदद से मैं इधर एंटीना का जो पिन है उससे कनेक्ट करेंगे क्योंकि नेटवर्क आ जाए, क्योंकि ढक्कन मैंने अभी नहीं लगाया उसका, क्योंकि फिर से खोलना पड़ सकता है इसीलिए। तो देखिए दोस्तों लग रहा है सिम आ गया है, हम फिर से दिखा रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों इधर नेटवर्क के पास दिखा रहा है, थोड़ा सा ही नेटवर्क दिखा रहा है, शायद एक और दो एंटेना बार आया है नेटवर्क का बार। देखिए दोस्तों ये देखिए नेटवर्क इसमें आ गया, अभी सिम को दूसरा स्लॉट में डाल के देखेंगे उसमें भी आता है कि नहीं आता है, हो सकता है सिम का जो पिन है वो टूट भी सकता है, क्योंकि ये वाला सिम जो है कटा हुआ रहता है, तो थोड़ा खींचाटानी होने से भी अंदर से सिम का जो पिन है वो टूट सकता है सिम कनेक्टर का। तो अभी सिम सॉकेट को हम बाहर निकल लेंगे, आहिस्ता से निकलना पड़ता है दोस्तों, टूट सकता है। चलिए मैंने लगा लिया दो नंबर सॉकेट में, तो अभी इसको डाल के फिर से ओपन करके देखेंगे कि नेटवर्क आता है कि नहीं आता है इसमें। तो दोस्तों मेरा जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जो भी नया लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, और मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए दोस्तों इसमें भी नेटवर्क आ गया। तो दोस्तों देखा मैंने कैसे इसका नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जो भी नई टेक्नीशियन है जो काम सीख रहे हैं उन लोगों को अगर मेरा वीडियो देख के थोड़ा भी काम करने के आसान होता है तो उसमें हमको खुशी होगा। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।